यहाँ एक 21वीं सदी का वाल्मीकि हमारे सम्मेलन किसान कहें, भाइयों की समस्या है, हरियाणा की ही नहीं पूरे देश ये की। मजदूर वर्ग आप का ही सम्मेलन है और हम ये बात उनको ये मैसेज देना। तो विधायक जी, जो 25 तारीख का प्रोग्राम है वो किस प्रकार का प्रोग्राम रहेगा? देखिए, पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब की जयंती की बात करें, महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बात करें, कबीर जी की जयंती की बात करें और श्रोमणी रविदास जी की जयंती की बात करें, तो ये पूरे प्रदेश भर में 22 के 22 जिलों में डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई। और ये 25 तारीख का जो कार्यक्रम है ये पार्टी की तरफ से आखिरी जो कार्यक्रम, यहाँ एक 21वीं सदी का वाल्मीकि सम्मेलन कहें, विचार गोष्ठी कहें, वो बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ मनाया जा रहा है। तो जिस तरह से कोविड का भी प्रकोप बढ़ रहा है लगातार हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर, तो क्या इस प्रोग्राम में कुछ कोई बाधा तो नहीं पड़ेगी इस प्रकार की? क्योंकि देखिए, वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रख करके, सोशल डिस्टेंस है, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, इस सारी चीज़ों का हम पालन करते हुए और कितनी हम वहाँ संख्या रख सकते हैं, गाइडलाइन आई है सरकार की तरफ से, उन चीज़ों सभी का पालन करेंगे। तो जिस तरह से किसान आंदोलन चला हुआ है, उसका विरोध लगातार चला हुआ है और जो पार्टी के प्रोग्राम है लगातार उनका विरोध चल रहा है, तो वो भी कुछ असर डाल सकता है इस प्रोग्राम पे? ना, मुझे तो नहीं लगता वो असर डालेगा, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी उन लोगों ने मनाई है। मैंने कई जगह देखा है, टोल टैक्सों पर बाबा साहब का चित्र लगा करके 14 तारीख को उन्होंने भी कई जगह कार्यक्रम किए हैं। तो आज भी अखबार में स्टेटमेंट आई हुई थी, जो 25 तारीख का प्रोग्राम है उसका विरोध किया जाएगा। देखिए, वो कोई उनका अपना विषय हो सकता, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे, हम बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती का जो आखिरी कार्यक्रम हमारी तरफ से, वो 25 तारीख को जींद में होने जा रहा तो जगह जो थी वो डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि अक्सर खुले में तो लगभग वो प्रोग्राम डिसाइड है, जगह ब्लू स्टार होटल है रोहतक रोड पर, उसमें ये जगह है। तो लगभग कितने लोग आने की संभावना है? देखो, वो हम बताया ना हमने, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, और कितने आदमी उसमें रहेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर हम यहाँ जो पूरे कार्यक्रम में एक 21वीं सदी का वाल्मीकि सम्मेलन या विचार गोष्ठी हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में करने जा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग से जैसे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, वो अलग अलग से पॉलिटिशियन हैं, वो अलग अलग से हमने उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उन लोगों की कुर्सियाँ लगाई, वो सभी अपने उस जयंती में विचार भी रखे हैं। तो कुछ समाज की, जिस तरह से वाल्मीकि समाज के अंदर एक पिछड़ापन है, चाहे नौकरियों में लगा लो, एजुकेशन में भी तो नहीं है इतना, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस प्रकार की भी डिमांडें रहेंगी। हाँ, समाज देखो, समाज उस दिन क्या डिमांड करता है, समाज समाज के ऊपर है, तो हम भी वाल्मीकि समाज होने के नाते और यहाँ का जो समस्त वाल्मीकि समाज जिला जींद इस कार्यक्रम को करने जा रहा है, तो हम भी उनके निर्देश से यहाँ पहुँचे हैं। तो और भी कोई बाहर से जो समाज का हमारे महापुरुष परम राष्ट्रीय परम संत बाल योगी, हमारे गुरु जी हैं उमेश नाथ महाराज जी वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर उज्जैन से, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम होने वाला है। और हमारे संगमनाथ महाराज जी हैं, वो रहेंगे, और मनसा महाराज जी, बाबा मनसा महाराज जी, वो भी इस कार्यक्रम में संतों की भूमिका निभा करके समाज को मार्गदर्शन करेंगे। जी, तो प्रोग्राम चला 25 तारीख को है और डिमांड जैसे कि विरोध भी कर रहे हैं और स्टेटमेंट भी आई थी किसानों द्वारा, जो प्रोग्राम है 25 तारीख को, और घेराव की जो बात आ रही है वहाँ से, टोल प्लाजा से भी और जगह जगह से प्रोग्राम जो मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो
तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे, किस प्रकार का ये प्रोग्राम रहेगा? देखिए, मैं एक इस कार्यक्रम का आयोजन समिति का एक सदस्य होने के नाते सबसे पहले सो किसान भाइयों से भी यही हम प्रार्थना करेंगे कि ये भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम जयंती समारोह, जिसका विषय हमने रखा है कि 21वीं सदी का वाल्मीकि समाज, क्योंकि 21वीं सदी का वाल्मीकि समाज जो हम दिखाना चाहते हैं और जिस संविधान के दायरे में आज किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, हम उसी महापुरुष का ये जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। हम तो आदरणीय विधायक श्री बिशंबर सिंह वाल्मीकि जी, जो इस कार्यक्रम की भी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे भी आयोजन समिति के माध्यम से ये प्रार्थना करेंगे कि जो ये हमारी आयोजन समिति है, इसके माध्यम से भी हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप अपने लेटर पैड पर जो हमारे किसान भाइयों की समस्या है, हरियाणा की ही नहीं पूरे देश की, आप हमारे केंद्रीय मंत्री को भी, तोमर जी को भी अपने लेटर पैड पर ये लिखकर उनकी समस्या का हल करवाने का प्रयास करें। हमारा भी यही प्रयास है कि किसी तरह से हमारे किसान भाई जो आज इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, इनका हल निकले। हम उन्हें यही गुजारिश करेंगे कि आप जिस संविधान के दायरे में आंदोलन कर रहे हैं और हम ही उसी संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समारोह मना रहे हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि आप इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से हमारे साथ लगकर ही करवाने का प्रयास करें। किसान आंदोलन है, ये किसान मजदूर की एकता की बात करते हैं और ये मजदूर वर्ग का ही सम्मेलन है, और हम ये बात उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है, उस अवसर पर वो हमारा साथ दें और धूमधाम से जयंती को मनाएं। दूसरा, हमारे आदरणीय विधायक भाई पिशंबर सिंह वाल्मीकि से भी अनुरोध है कि आप भी अपने पत्र द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को ये निवेदन करें कि किसानों की समस्या का जल्दी से जल्दी हल किया जाए।